मोबाइल्स और लैपटॉप्स पर काम करा जाता है, तो इससे लोग सोचते हैं कि आप इतनी सी उम्र में मोबाइल और लैपटॉप पर काम कैसे कर लेते हैं और आपको इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे आता है। हम स्कूल में बच्चों को कोई कॉपी पेंसिल नहीं देते क्योंकि आने वाले वक्त की जो डिमांड है वो कॉपी पेंसिल नहीं है। हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं हम बच्चों को क्रोम बुक और मोबाइल के जरिए से पढ़ना लिखना सिखाते हैं। पढ़ना लिखना क्या है, डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं, बेसिक सबसे पहले कैनवा के जरिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, इंटरव्यूज के जरिए उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनके कनेक्शन बनाते हैं, फेसलेस वीडियो बनवाते हैं, यानी कि वो फेलियर का कोई भी जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे ने हमें दिया कि नाकामी, हालांकि वही आपका पहला कदम होता है जो कि आप कुछ करने की जानिब बढ़ा रहे होते हैं। कोई भी फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हो गए, बल्कि वो उससे आप एक चीज़ ऐसी सीखते हो जो दूसरों ने नहीं सीखी होती। आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है कि ये काम ऐसे नहीं होगा, इसका दूसरा रास्ता हमें ढूंढना है। तो उनका एक माइंडसेट करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, एआई का यूज़ करते हुए एनी का और रैपी उनको करवाते हैं, ठीक है जी, और चैटजीपीटी का यूज़ करना सिखाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। मेरी उम्र अभी 13 साल है, तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो हैरत से देखते हैं कि इसकी उम्र इतनी है और वो इस तरह से किस तरह से काम करती है, इतना सारा कहाँ से नॉलेज आ रही है इसको। जब मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस में आई तो मुझे AI इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी, लेकिन जब इधर आई तो मैंने यहाँ पे बच्चों को देखा, बच्चों का अंदर कॉन्फिडेंस देखा, जिस तरह से यहाँ पे AI कैनवा फोटोशॉप इन सब चीज़ों के बारे में सीखा, मैंने फाइवर के बारे में जाना, इस किस्म से और सी बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना ताकि मैं कामयाबी हासिल कर सकूँ। अब मैं हर किस्म की चीज़ें कर लेती हूँ, जिस तरह से अपनी पिक्चर्स एडिट करना और भी तरह तरह की चीज़ें बहुत ही चुटकियों में हो जाती हैं। जिस तरह से अगर हमें वीडियो एडिट करनी है तो वो फौरन हो जाती है। तो आने वाला दौर आप लोग देखेंगे कि वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हमें उसके लिए मैं रेडी हूँ कि उस दौर को किस तरह से हमने प्रिपेयर कर दिया। हम स्कूल में आने के बाद अब मेरे को बहुत सारे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और मेरा जो कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही बिल्डअप हुआ। और पहले जब मैंने हम स्कूल में आई थी मेरे को नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मेरे को नहीं पता था कि मेरा मिशन क्या है, मेरा गोल क्या है, क्योंकि जब मैंने अपना वाला सेलेक्ट किया मेरे को पता चला मेरा मिशन ये है कि मैं एक कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच बनूंगी। ये स्कूल मुनफरिद क्यों है दूसरे स्कूलों से, बाकी तमाम जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं वहाँ पे जो भी तलीम एजुकेशन दी जा रही है उसकी हमारी इन फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। माजी के बारे में हमें जानना, इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन रट्टा लगाने की आज के दौर में, जबकि हमारे पास दुनिया भर का नॉलेज है, हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, चैटजीपीटी है, AI है, तो इस दौर में हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर रट्टा लगाएं, हमें सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना है। तो हमें लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि आज के दौर में डिग्री से ज़्यादा डिजिटल जो स्किल्स है उनकी अवेयरनेस आनी चाहिए बच्चों को। 5 मिनट का अगर बच्चा 5 साल अपना डिजिटल स्किल्स के ऊपर ग्रिप मजबूत कर लेता है, फ्रीलांसिंग सीख लेता है, कुछ स्किल्स सीख लेता है, तो क्या है वो अपने घर में अपना एक एक्सपोर्टेड हैंड बन सकता है, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। सबसे पहले जो जिंदगी की बेसिक 3 जरूरियात हैं, रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम हल कर सकता है, उसके बाद पूरी लाइफ चाहे जो मर्जी वो डिग्री हासिल करे, जिस चीज़ का मर्जी वो स्पेशलिस्ट बने, ठीक है जी। रिहान स्कूल का मकसद प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, लीडर्स बनाना, ये यानी कि स्कूल की जो एक यूनिकनेस है ये बाकी तमाम स्कूलों से इसे मुनफरिद करती है।